फोन ये जी मुश्किल स्टिकर वाले के पास। आज K20 टाइप आ रहा है, दो रंगों में नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4K की तरफों तुहाडे के मचे हाजिर ने। और आज मैं स्लो मोशन में क्यों बोल रहा हूँ, मैं 0.25x में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल आधी रात को आपके पर बह के एडिटिंग शेडिटिंग कर रहा था, तो मैं इस चीज़ का हिसाब लाया कि इंट्रो के अंदर और बाकी वीडियो के अंदर मैं बकरे यमन नेम के साथ मुकाबले शुकाबले कर रहा होता हूँ। मेरे मुंह को उस तरह जी नोज बनना होता है, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, तो आज हम होली बोलने की कोशिश करेंगे। गारंटी नहीं दे रहा, कोशिश करेंगे, क्योंकि उस तरह जी मेरे बोलने का अंदाज कुछ अलग, छोरी चल तो सही तुझे दिखाता हूँ मरद। पापा चाहते हैं कि मैं बनूं मिनिस्टर, पर मैं चाहूँ शर्मिला की छोटी सिस्टर। मेरे बहुत भरम है, मेरा है राज, पापा क्या मुझे जेब खर्ची मिल सकती है आज। हैशटैग अली गुलपीर वड्रे का बेटा फॉर यू। उस्ताद जी बड़े सोने सोने गाने आया करते थे उस वक्त में, अब तो जीव जीव चवल किस्म के गाने शाने आते रहते हैं। और आज हमने क्या करना है तो मैनू नहीं पता, आज हमने कहाँ जाना है मैनू नहीं पता, कौन सी गाड़ी का काम कराना है मैनू नहीं पता, मुस्तकबिल में आगे क्या करना है मैनू नहीं पता। तो आइए भाई साहब मुंह चुकते हैं, सीधा बाहर चलते हैं और देखते हैं उस्ताद जी की करना जी यकीन नहीं। मुंह चुकते साथ ही हमारे मुंह के सामने अलमारी आ गई, अलमारी खोल के देखें तो इसके अंदर आपको हफ्ती 2.0 का उस्ताद जी टेपों से लेते पैद इसी नजर आएगा। ये है जी मेरा P08 जिसको हमने बड़ी मुश्किल से नमी से बचाया था, और उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक जिंदा है। तो इसको देख मुझे चीज याद आई है कि हमने मुर्शिद के पास जाना है, इसकी जो प्लेटें बनने बुनने के लिए दी हुई है वो जाके इसके ऊपर फिट शिट करवाते हैं, क्योंकि चचा वाह देर हो गई है। ये इस तरह टेपों में रखना भी इशू के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आज के PR पैकेज के ऊपर आए तो यहाँ पे उस्ताद जी वादू माल गुनागा में इकट्ठा होया हुआ है, ये PR पैकेज में नहीं आई, ये मेरी अपनी है। तेरह के हुड के ऊपर आ जाए तो ये हमें भेजा है जी AMK4 स्टोर वाले ने, यहाँ पे हमें BMW वाला हुड चिटे रंग दे विच, और यहाँ पे उन्होंने मुझे भेज दिया जी लार्ज साइज। उस्ताद जी मैं कहना कोई डायनासोर का बच्चा जी, जरा मैंने लार्ज साइज पूरा आ जाए, मैंने मीडियम आता है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने हमें साथ दो दिन ट्रॉफियां भेजी है, सबसे पहले चिटे रंग के विच मर्सिडीज वाली, उसके बाद ब्लैक रंग दे विच BMW वाली। कोई टोपियां चाहिए या इस तरह का हुड चाहिए तो आप AMK4 वालों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनकी जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगे। उसके बाद इस साइड पे हैं तो यहाँ पे हमें दो दिन केस नजर आते हैं, ये मैंने याद आ गया कि उस्ताद जी मैंने किन्हें भेजा सी, इनका नाम है जी द केस को, इनकी भी जो डिटेल्स वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगे। आप उनसे इस तरह करके कस्टमाइज अपना कवर बनवा सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आया तो ये चेक नहीं, इसके ऊपर बनी हुई जी हमारी मनपसंद हफ्ती ब्लैक फॉर यू, ये हमें बेचा जी केस trade.pk वालों ने। तो अगर आपने इनसे बनवाना है या इनसे बनवाना है, उस्ताद जी काम दोनों एक ही करते हैं, आपने बस ना अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 करके जिसके ऊपर उंगली आ गई, आप उससे अपने मोबाइल के लिए कस्टमाइज कवर बनवा सकते हैं। वो वखरे उस्ताद ही थे सिक्के ले रही है, सुना है मौसम की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी बड़े ही मजेदार किस्म की धूप निकली है, और आपका भरा यहाँ पे धूप में लम्बे पै के सिक्के ले रहा है, और साथ में उस्ताद जी किनू खा रहा है। अब मैंने किनू पुठे आदमी को पकड़ा हुआ, सीधे आदमी क्यों नहीं पकड़ा हुआ, क्योंकि सीधे आदमी उस्ताद जी मेरा मोबाइल है, मैं पुठे हाथ से नहीं खा रहा, खा मैं सीधे हाथ से ही रहा हूं। आप लोग ये ना समझना कि मैं उल्टे हाथ से खा के स्थान को किनू खिलाई जा रहा हूं। उसके अलावा उस्ताद जी मौसम की सूरत हाल पे हैं तो बड़ा ही धोखेबाज किस्म का मौसम है, सुबह के टाइम ऐसे कोई धूप निकली होती है बंदा का दिल कहता है उस्ताद जी अपना वही पुराना कौमी लिबास पहने लॉन्ग कच्चे वाला और बार उस्ताद जी इंजॉय करें, लेकिन रात के टाइम उस्ताद जी ऐसी कोई ठंड पड़ती है कि बंदे की कुल्फी बन जाती है। आइए बगैर यहाँ से ऐसे घूमते हैं और अब्बा जी कैचर भी के विच होते हैं, सोलंग कैबेज और गर्मा गर्म हीटर के साथ अपनी मजे की तरफ प्रवास करते हैं। सबसे पहले उस्ताद जी खुजा शिम शिम होशिया पुत्र उपाली खुला हुआ, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर। लो जी एक बार फिर गोड़ा साडा फंस गया जे सीट करे पीछे, फ्रेश फ्रेश का टाइम ओ उस्ताद जी पेट्रोल है आधे से तकरीबन कोई 3 पॉइंट कम है, लेकिन आराम से हमारा आना जाना हो जाएगा। तो आइए बगैर किसी देर के जी सीधा जाके बचते हैं जी मुर्शिद स्टिकर वाले कोल, और ये हम पहुंच गए जी मुर्शिद स्टिकर वाले के पास, और यहाँ पे मुर्शिद ने हमारे साथ धोखा कर दिया। देखें जी बाहर खड़ा हुआ हंस रहा है, इसने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमने कहता प्लेटें मैं ले आया और लेके आया नहीं है। अब जो पुराने वाली थी वो यहाँ पे लगाते हुए उस्ताद जी ज्यादा जोर लगाने की वजह से टूट गई थी, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको स्ट्रा करके लगाते हैं तो यहाँ पे उस्ताद जी हल्की से मोरी हो जाएगी और यहाँ से फिर नमी अंदर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले ये मुर्शिद इतना बड़ा लोहे का पीस लेके आया, ये देखो जी इतना बड़ा, इसको हम इस तरह करके ऊपर लगा सकते हैं और यहाँ से काट सकते हैं, ये काम हो सकता है। उसके अलावा एक ये वाली प्लेट लगी हुई है, ये देखो जी ये बड़ी सोहनी किस्म की ऊपर करके लगती है, ये देखो जी इसको अगर हम इस तरह करके ऊपर लगाए ना तो यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो जाएगा। अब देखते हैं उस्ताद जी कौन सी वैरायटी लगानी है कौन सी नहीं। मुर्शिद के साथ जाके मैंने ऑर्डर दे दिया अपने P08 की फ्रंट और बैक प्लेट का। पहले हम प्लेट बना रहे थे क्रिली ग्लास की, वो जो होता नहीं हल्का सा प्लास्टिक उसकी बना रहे थे, इसकी नंबर प्लेटें बनती है, लेकिन उसका मसला ये होता है कमजोर, उसको थोड़ा सा विस्तार जोर डाल दें या फिर ये नट अगर हम जोर से कसते तो उस्ताद जी उसने टूट छूट जाना था। जैसे हमारे पहले वाले प्लेट टूट गई थी जो आपको मैंने मुर्शिद के पास दिखाई थी, तो इस बार हम कोई मटीरियल होता है लिगा बॉन्ड होता है उसकी हम प्लेट बनवा रहे हैं फ्रंट और बैक वाली, और जो बना के हमें दे रहे हैं वो कह रहे हैं उस्ताद जी आप उसके अंदर भावे मुक्का मार दे आपका मुक्का पार देगा लेकिन प्लेट को कुछ नहीं होगा,
उसकी सारी हमने मेजरमेंट्स वगैरह दे दी है भाई को, वो कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हमें दे देंगे। उस प्लेट की सारी कटिंग वगैरह मशीन से होगी साहब, में जो मोरियां छोरियां ये भी मशीन से होंगी, हमने बस प्लेट चुकनी है, इसके ऊपर रखनी है और यहाँ पे उस्ताद जी बोर्ड कस देने हैं, तो काम टना टन हो जाएगा। एक तो उस्ताद जी मुझे लाहौर की समझ नहीं आती कि हुक्मरान लाहौर के साथ करना क्या चाहते हैं, फ्लाईओवर और अंडर पासों में थोड़ा सा लाहौर फिट करना चाहते हैं, जहाँ देखो उस्ताद जी खुदाई हुई है फ्लाईओवर के लिए, जहाँ देखो उस्ताद जी ट्रैफिक बंद हुई हुई है अंडर पास के लिए, आधे से आधा लाहौर जाम इसी वजह से होता है कि कहीं पे फ्लाईओवर मार रहा है कहीं पे अंडर पास मार रहा है। अभी क्योंकि मैं 45 मिनट रील हो गया आया हूँ रश के अंदर, क्योंकि कलमा चौक वाले साइड पे पता नहीं फ्लाई ओवर बना रहे हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी ट्रैफिक फंसी होती है और ट्रैफिक में फंस फंस के यहाँ पे उस्ताद जी मेरे पेट्रोल की मदर सिस्टर 1122 होगी, तकरीबन कोई 3 साल मेरे गैप ही हो गया रश के अंदर फंसने की वजह से, 3 साल के अंदर आराम से मारा आना जाना हो जाता खान क्रू से वापस हमने ताजमहल तक। एक तो लाहौर के अंदर ऐसा कोई गंदा रश होता है ना, कोई नेक इंसान के मुंह से कोई 150 गालियां निकल जाती है रश के अंदर, क्योंकि लोग हरकतें ही ऐसी कर रहे होते हैं, उसके अलावा ना बंदा बीपी का मरीज वैसे बन जाता है। और एक बार फिर हम मौजूद हैं जी खान क्रू पर लाला जी मैं फ्रेंड के पास, और आज यहाँ पे आते साथ ही हम जा रहे हैं जी इसके 24 हैज का उस्ताद जी मना मार रहे हैं, तो आइए उस्ताद जी जरा गड्डी के बीच होते हैं, ये तुम चेक कर सकते हो उस्ताद जी हैवी सेशन की बात है, कहीं मैनू ना अंदर खींच ले हमारे साथ, यहाँ पे हमारे पायलट लाला जी मैं फ्रेंड मौजूद है, ये चेक जी फ्रेश एयर फॉर यू, और अब हम जा रहे हैं जी इस गड्डी का वैश ही मरना मारने, बस तुम चेक कर सकते हो उस्ताद जी वेरी नाइस। लाला जी अभी ओपन घाटा लाइफ स्टाइल पे है मेगाफोन पे, ओ अब जरा खाली रोड पे चल जाए फिर आपको मंडा दिखाते हैं। लो उस्ताद जी करन लगे जैसे बिस्मिल्ला, थोड़ा रश कम हो जाए पहले, एवं कि बंदा थले थले ना आ जाए। गाड़ी का पहला मंडा था, इस वजह से गाड़ी हल्की आज पे थोड़ी सी हैंकी पैंकी आ रही है, अभी गाड़ी ट्यून शून कुछ भी नहीं हुई, जब गाड़ी हम ट्यून शून करवा लें गाड़ी जब अपनी पूरी जान में आ जाएगी तब आप लोगों को मैं एक अपडेटेड मंडा भी इसका चेक करवाऊंगा, लेकिन मुस्तकबिल के बीच अभी फिलहाल मैं और साबिर भाई यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के धूप के सेके ले रहे हैं, फुल इंजॉयिंग कर रहे हैं। उस्ताद जी आजकल खान के ऊपर फुल हैवी निजाम चल रहे हैं, जज साहब चेक करते हैं मेरे दाएं भी के मेरी बाएं भी के पिछवाड़े के पीछे जे जे 34U ये वाला इंजन है जी K20A रिबॉन वाला, ये रिबॉन के अंदर उस्ताद जी बोल्ट ऑन फिटिंग पे आता है, आपके रिबॉन के अंदर जो पहला 8 हंड डाला हुआ है 820 डाला हुआ है उसको चुके आबाद छुटे उसकी जगह आप गाड़ी के अंदर ये फिट शीट कर दे, किसी किस्म की अल्ट्रेशन की जरूरत नहीं, किसी किस्म की उस्ताद जी कट एंड वेल्ड की जरूरत नहीं है, गाड़ी में ये डलने के बाद आपकी गाड़ी सादी रिबॉन के मुकाबले में उस्ताद जी ऐसे भागेगी जैसे नहरी में छापर। साडा K20A इंजन हो गया जी, सीट बेल्ट बन के फुल जंगली स्टाइल, लो जी सीट बेल्ट खुल गई, ले जी सीट बेल्ट जरा हमने टाइट कर लिया है एक बार फिर ना उस्ताद जी नो बॉल। लो जी तीसरी ट्राई, लो जी यहाँ पे तो जी बंबीरी बन गया घूमी जा रहा है, ले जी इंजन चुका नहीं गया तो यहाँ पे किसी लास्ट टाइम चलेगा, ये देखिए किसी लास्ट टाइम राजा जी यहाँ पे अपना उम्मीद बनाते हुए। इस इंजन के ऊपर आए तो उस्ताद जी ये है K24A, ये थाई मॉडल रिकॉर्ड में आता है और ये थोड़े नवे मॉडल वाला है, जैसा आप लोगों को मालूम है कि जो सादा K24 होता है उसके अंदर यहाँ पे हेडरेस की 4 पोर्टें होती हैं, लेकिन उस्ताद जी इसकी सिर्फ एक है, इसमें उस्ताद जी शक्ति ज्यादा है, 4 से बने
एक और ये K24A वही सेम इंजन है जो कि हमने इस 97 स्पीड के अंदर इंस्टॉल किया है। उसके बाद उस्ताद जी इस इंजन के ऊपर आए तो ये बादशाह इंजन है। कौन सा इंजन है? तो ये रिबॉन का K20 टाइप आ रहा है। जो बाहर पड़ा हुआ था वो सादा K28 था, लेकिन ये उस्ताद जी K20 टाइप आ रहा है। बड़ा ही वैश्य किस्म का इंजन है उस्ताद जी। स्टॉक 221 हॉर्स पावर बनाता है और ये आजकल वादू सस्ता इंजन है। कितना सस्ता है? तो ये तकरीबन आपको मिनिमम 7 से 8 लाख का मिलेगा। इससे नीचे का आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। इस इंजन को उस्ताद जी तेज करना वेरी इजी। आपने करना क्या, नीचे से K20 का ब्लॉक बाहर निकालना है और उसकी जगह K24 का ब्लॉक नीचे लगा देना है। उसके बाद ये इंजन 2000 सीसी टाइप आर की जगह 2400 सीसी टाइप आर हो जाएगा और मिनिमम तब ये 215 व्हील या 220 व्हील हॉर्स पावर निकाल ही लेता है। उसके बाद उस्ताद जी इस इंजन के ऊपर आ जाए तो ये हमारी हफ्सी ब्लैक का टूटी फ्रूटी इंजन है। अब मैं टूटी फ्रूटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर उस्ताद जी आधी चीजें होंडा की लगी हुई है, आधी सुजुकी की लगी है। सबसे पहले हेड के ऊपर आ जाए तो हेड इसको G15 का लगा हुआ है। ब्लॉक के ऊपर है तो ब्लॉक G16 का लगा हुआ है। 1600 सीसी वाला ये तुम देख सकते हो उस्ताद जी, 1590 cc³। उसके बाद इंटेक मैनिफोल्ड के ऊपर आए, फ्यूल रेल के ऊपर आए उस्ताद जी, दोनों की दोनों चीजें मिली है। होंडा के D16 की लगी हुई है, ये तुम देख सकते हो। इंटेक मैनिफोल्ड पूरे का पूरा होंडा का लगा हुआ है, फ्यूल रेल होंडा की लगी हुई है, लेकिन फिलहाल इसके अंदर हमने अभी जो होंडा के इंजेक्टर थे वो हमने निकाल के बाहर सुटे हुए हैं। इसको सादे बलिनो वाले इंजेक्टर लगाए हुए 1300 सीसी वाले, ताकि उस्ताद जी एवरेज सोनी किस्म का है। उसके अलावा अभी आप फिलहाल इंजन की हालत देखते हैं उस्ताद जी, इंजन की मदद से सर्वाइवमेंट टूट हुई है। यहाँ पे ब्लॉक हमने कभी पेंट शेड नहीं किया। उसके अलावा गियर के हमारे यहाँ पे रंग उड़े हुए हैं। ये जो पाइप है उस्ताद जी ये देखो जी, बीच जंग ही जंग होया हुआ है। ये वाला जो पाइप है ये हमने सारा का सारा चेंज कर देना है। ये वाला इसी जगह हमने पाइप बिछड़ करेंगे। उसके अलावा ये जो बैक वाला माउंट है इसको भी हमने उतार देना, इसको हम फ्रेश मैट ब्लैक के अंदर पेंट करेंगे। इसी हिस्से को मैट ब्लैक के अंदर पेंट करेंगे और साथ में इंटेक मैनिफोल्ड को भी मैट ब्लैक के अंदर पेंट करेंगे। कैपिट कवर जो है उसको हम दोबारा से पाउडर कोट करा लेंगे, सेम इसी कैंडी रेड रंग के भी। उसके बाद जो ब्लॉक और गियर इसको हमने सिल्वर रंग के अंदर पेंट करना है। उसके अलावा ये साइड वाला जो प्लास्टिक है इसको भी हमने दोबारा से पेंट करना है। इस बार पेंट करने से पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे प्लास्टिक प्राइमर। मैंने पिछली बार प्लास्टिक प्राइमर लगाया था, जैसे जो ऊपर से पेंट स्टार्च ये उतरने लग गया। एक बार जब हम इसके ऊपर प्लास्टिक प्राइमर लगा के इस पर पेंट करेंगे तो आज ही हमारा पेंट फुल टाइम टन हो जाएगा। इंजन को पेंट करने वाला काम हम कब करेंगे, जब इसके नट बोल्ट उस्ताद जी लशपश होके आ जाएंगे। उसके अलावा जब हमारा 6-पाक क्लच तैयार शार होके आ जाएगा। अभी हमने नट बोल्ट भेजे हुए हैं उस्ताद जी लशपश होने के लिए, और हमारा जो 6-पाक क्लच उस्ताद जी वो भी बनने गया हुआ है। इंशाल्लाह कल दोनों की दोनों चीजें मुझे आ जाएंगी, वो हम अपने इंजन के बीच खरीद करेंगे और उसके बाद परसों आएंगे उसके बाद हम अपने इंजन को उस्ताद जी रंगा रंग करके रख देंगे। दिन नंबर 3 काम के अपडेट के ऊपर है, तो अच्छी ब्लैक आपको यहाँ पे हमारी दो रंगों में नजर आ रही है। सबसे पहले नाटो ग्रे और साथ में चीटा रंग। अब जो नाटो ग्रे रंग है ये अस्तर का है, और जो चीटा रंग है ये उस्ताद जी डिकोपटीन का। डिकोपटीन किस लिए इस्तेमाल होती है उस्ताद जी? फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह ये छोटे छोटे हल्की हैं, इस पे मुन्ने जो टक नहीं होते, जैसे ये है जो रेग मार के निशान शून होते। डिकोपटीन के बाद हमने क्या करना है तो उस्ताद पेंटर हमें बताएंगे। उस्ताद जी हमने क्या करना है डिकोपटीन के बाद? डिकोपटीन इसकी मंजई होनी है, मंजई के बाद जो है ना हम इसके ऊपर बेस लगाएंगे, बेस के टक वगैरह चेक करके फिर फाइनल हम तैयारी करेंगे पेंट। लो जी ओके हो गया, उस्ताद जी ने बता दिया हमने क्या क्या करना आगे। उसके अलावा अभी तक हमारा छप्पर टेस्ट जो है वो जारी है। छप्पर टेस्ट में क्या होता है तो आप देख सकते हैं, अभी तक हमारे डी के अंदर यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। तकरीबन कोई 4-5 दिन होने वाले हैं ये पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसको मैं जानबूझ के साफ नहीं करवा रहा। साफ क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि यहाँ पे हम फैब्रिक की लेयरिंग को टेस्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ या तो यहाँ पे जंग लगेगा या फिर पानी खुद ब खुद गैप्सी हो जाएगा। अभी फिलहाल हमें यहाँ से पानी गैप्सी होते हुए नजर आ रहा है, जंग का नाम निशान है। उस्ताद पेंटर ने यहाँ पे हमारी सजी और खब्बी साइड के दरवाजों को खड़का के रख दिया। इसके ऊपर जो फाइबर पटीन डिगो पटीन स्टील पटीन लगाने वाला काम था वो सारा करके ऊपर मंजाई छंजाई सारी की सारी कर दी है। अब सिर्फ इसके ऊपर साइड पर किनारियों पर सील लगाने वाला काम बाकी रह गया। उसके बाद फिर हम नवे कब्जों के साथ ये दरवाजे अपनी अच्छी ब्लैक के वे छिड़च कर देंगे। नाजरीन जैसा आप चेक करते हैं यहाँ पे हमारे साथ कॉर्न जूस इवो मौजूद है और ये खान क्रू का हिस्सा बन चुकी है। खान क्रू की मलकियत में शामिल हो चुकी है क्योंकि गाड़ी खरीद ली हमारे फ्रेंड मानी भाई ने। मानी भाई कौन से? तो वही मानी भाई जिनसे हमने EFH खरीदी है। वो कौन सी है? तो उस्ताद जी वही इवो है जिसका तकरीबन मैंने कुछ 7 से 8 महीने पहले रिव्यू किया था। फ्रेश 850 HP फॉर यू, बड़ी कोई वैशी और खूबसूरत गाड़ी है। ये तुम चेक करते हो उस्ताद जी, लुकिंग वेरी नाइस। अल्लाह ये गाड़ी मानी भाई को नसीब करें। अभी गाड़ी के छोटे मोटे काम शाम हो रहे हैं, एक बार वो हो जाए फिर आपको हल्की आए थे इसका वैशी मांडा भी चेक करवाएंगे। उस्ताद जी सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको नवी गड्डी की। आओ उस्ताद जी जाके इधर वैशी मांडा मारते हैं हल्की आंच पे। ए जैलिंग सर कुत्ता हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। हां उस्ताद तू ला नहीं रेस उस्ताद पेंडा नो मैच मारो जरा तो जा दियो। ओ ये जी कुत्ते को एक गाड़ी का वाया पड़ गया नेड़े ही है। लो जी नो मैच हो गया, पैक ने चप्पे। अभी मैं और उस्ताद पेंडा जा रहे हैं जी गाड़ी के दरवाजों के लिए सीले लेने। ये डोरी हम ले आए हैं, उसको हमने इंजेक्शन के अंदर भर के दरवाजे के सारे साइड पे किनारियों पे लगा दिए। तुम देख सकते हो उस्ताद जी ये यहां से शुरू होती है, ऐसे जाई जा रहा है, यहां से फिर खब्बे साइड मुड़ती है यहां जा कैसे, और फिर यहाँ से जाके एक बार ऊपर ऐसे भी आती है। लेकिन उस्ताद जी इसकी चस नहीं आ रही, ये जो गुछमुछ हुई भी ना इसका मज़ा नहीं आ रहा। तो ये जो डोरी लगाने वाला काम है मैनुअल डोरी लगाने वाला इंजेक्शन पीछे भर के ये हम नहीं करेंगे। इसकी जगह जो होंडा की बनी बनाई डोरी आती है हम वो लगाएंगे, लेकिन आज नहीं,
कर ले आएंगे। और इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।